केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि धर्मशाला में एक हाई परफॉर्मेंस सेंटर, हाई एल्टीट्यूड सेंटर यहां पर बने। मेरी इच्छा ये है कि वो ही धर्मशाला में बने, उस दिशा में हम काम करना चाहते हैं। राज्य सरकार यदि उसके लिए पर्याप्त भूमि उपलब्ध करवाती है तो हम 2 साल में इसे बनाकर देंगे और देश और दुनिया के खिलाड़ियों को यहाँ ट्रेनिंग करवाने के भी प्रयास करेंगे। केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि धर्मशाला में एक हाई परफॉर्मेंस सेंटर, हाई एल्टीट्यूड सेंटर यहां पर बने। मेरी इच्छा है कि धर्मशाला में बने, उस दिशा में हम काम करना चाहते हैं। राज्य सरकार यदि उसके लिए पर्याप्त भूमि उपलब्ध करवाती है तो हम 2 साल में इसे बनाकर देंगे और देश और दुनिया के खिलाड़ियों को यहाँ ट्रेनिंग दिलवाने और करवाने के प्रयास करेंगे। अनुराग ठाकुर इंडोर स्टेडियम धर्मशाला में 81वीं कैडेट एंड सब जूनियर नेशनल एंड इंटर स्टेट टेबल टेनिस चैंपियनशिप का शुभारंभ समारोह में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत करने उपरांत पत्रकारों से बातचीत में बोल रहे थे। इस दौरान कांगड़ा संसदीय क्षेत्र के सांसद किशन कपूर, स्थानीय विधायक विशाल नेहरिया सहित अन्य गणमान्य लोग उपस्थित रहे। अनुराग ठाकुर ने कहा कि कांगड़ा एयरपोर्ट की एयर स्ट्रिप बड़ा करने की अपार संभावनाएं हैं और बड़े हवाई जहाज यहां लैंड करवाने की, जिससे पूरे देश प्रदेश को और दुनिया के साथ जोड़ा जा सकता है। स्थानीय सांसद किशन कपूर और स्थानीय विधायक से निवेदन है कि इस मांग को सरकार के समक्ष उठाएं और इस संबंध में केंद्र में भी बात की जाएगी, जिससे कि कांगड़ा एयरपोर्ट को बड़ा किया जा सके और विस्तारीकरण किया जाए। एयर स्ट्रिप बड़ा होने से बड़े जहाज यहां लैंड होंगे, जिससे पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा और एयर टिकट भी सस्ती होगी। अनुराग ठाकुर ने हिमाचल प्रदेश टेबल टेनिस को 100 टेबल देने की घोषणा की। अनुराग ने कहा कि एसोसिएशन की और टेबल टेनिस रेजिडेंशियल एकेडमी के लिए प्रदेश के कोने कोने में अपनी सेवाएं देने की शुरुआत की जाए। प्रदेश टेबल टेनिस एसोसिएशन इस दिशा में कार्य करती है तो निश्चित तौर पर टेनिस को भी बढ़ावा मिलेगा। बताया है, मुझे लगता है हिमाचल प्रदेश में जो बड़े से बड़े इवेंट है वो धर्मशाला में होते हैं और जो एयर स्ट्रिप है वो धर्मशाला की, उसकी अपार संभावनाएं हैं बड़ा करने की, वाइड बॉडी एयरक्राफ्ट लैंड करवाने की, जिससे पूरे हिमाचल प्रदेश को देश और दुनिया के साथ जोड़ा जा सकता है। मैंने निवेदन किया है स्थानीय सांसद किशन कपूर जी से और स्थानीय विधायक जी से भी कि प्रदेश के सरकार के साथ मांग भी उठाएं और केंद्र में भी हम इकट्ठे बात करेंगे ताकि धर्मशाला के एयरपोर्ट को बड़ा किया जाए, विस्तारीकरण हो सके और यहाँ पर बड़ी फ्लाइट उतरें, टिकट भी सस्ती होगी, यहाँ पर व्यवसाय भी बढ़ेगा और टूरिज्म को भी बढ़ावा मिलेगा। सर मैडम के बारे में आपने बात किया, वो भी आपने कहा कि 2.5 साल के अंदर 6 से 7 हज़ार फुट की हाइट पर जगह चाहिए। धर्मशाला को मैंने आज से कई वर्ष पहले स्पोर्ट सिटी बनाने की बात कही थी, हमने उस दिशा में बड़े कदम उठाए हैं, उसके हम नज़दीक पहुंचे हैं। एक हाई परफॉर्मेंस सेंटर, हाई एल्टीट्यूड ट्रेनिंग सेंटर मेरे मन की इच्छा है कि यहां पर बने, उस दिशा में हम काम करना चाहते हैं और अगर राज्य की सरकार पर्याप्त भूमि देती है तो हम 2 वर्षों के अंदर इस प्रोजेक्ट को बनाकर पूरा करेंगे और देश और दुनिया भर के खिलाड़ियों को यहाँ ट्रेनिंग कराने के प्रयास करेंगे। सर रेजिडेंशियल टेनिस अकेडमी के बारे में भी आपने एक प्रस्ताव रखा है। मैंने कहा है कि हिमाचल प्रदेश टेबल टेनिस संघ को 100 टेबल टेनिस के टेबल मैं दूंगा, हिमाचल प्रदेश के कोने कोने में वो अपनी सेवाएं वहां पर देने की शुरुआत करें और जब ये सब होगा तो इससे बहुत बड़ा लाभ हिमाचल प्रदेश के टेबल टेनिस के खिलाड़ियों को मिलेगा। सर निर्मला सीतारमन जी सेज दैट एक्यूट रिकवरी ऑफ इकोनॉमी इज नॉट पॉसिबल, शी हैज रूल्ड आउट। वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, ये मिलते हैं ब्रेक के बाद।